दोस्तों, A1 स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर के, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेकंड सेमेस्टर की एक बुक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद है डीसी सर्किट, फिर बैटरी है, फिर कैपेसिटर है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर उसके बाद है सातवां चैप्टर एसी सर्किट, फिर पॉलीफेज सिस्टम। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आगे भविष्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है ये बुक। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे कि इंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें जो है इसमें, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डीसी सर्किट है। डीसी सर्किट में हम लोग जो है, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, और थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुपर पोजिशन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम, थेवनिन थ्योरम, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे डीसी सर्किट में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी में। तो बैटरी, जैसे कि बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तब की क्या कंडीशन है, उसके फार्मूले हम लोग देखेंगे, और डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग बैटरी का फार्मूला देखेंगे। और एक चीज़ इसमें देखेंगे, कूलाम का नियम, जैसे कि मतलब कि दो दो कोई आवेश है, दो कोई चार्ज है, तो इसमें इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। इन दोनों चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों जो बुक है, ये फिजिक्स का ही पोर्शन है, इसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में अध्ययन करेंगे। और एसी सर्किट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे कि हाँ, मतलब कि प्योर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस जब होगा तब क्या, मतलब कि उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं एसी सर्किट में। और पॉलीफेज सिस्टम है, जैसे कि पॉलीफेज सिस्टम जब थ्री फेज की सप्लाई देते हैं तो उसके बीच जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है, टू फेज की सप्लाई देते हैं तो उसके बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होगा, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, इस पॉलीफेज सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इतना रहा हम लोगों का सिलेबस, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हर एक चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के, सेकंड सेमेस्टर के, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा A1 स्टडी को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।